मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी। तो हे गाइस व्हाट्स अप, एक और नए वीडियो के साथ अश्विन ने यूट्यूब चैनल सभी का स्वागत करते हैं। तो वास्ता एग्जाम अभी एग्जाम देकर कॉलेज से आ रहे हैं। अभी एक और एग्जाम है फिलहाल, लेकिन वो एसएससी का एग्जाम है तो ज्यादा मैटर नहीं करता। तो आज जाएंगे बहुत दिनों के बाद घर। तो घर पहुँच कर आप लोगों को गणेश पूजा दिखा दूंगा आज, जो कि हमारे हरिदेव खट्टर में होता है। लेना रूम पे जाते हैं और कपड़े वपड़े पैक करते हैं और चलते हैं। पूरा पैकिंग कर लिया तो अभी जाएंगे घर। बाय 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 गाइस, बाय 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 बाय। तो अभी रूम से निकल आया है और ये है नेशनल हाईवे 31। सुबह से ही बारिश ही आ रहा है पूरा आज। तो यहाँ थोड़ा फ्यूल अप करा लेते हैं क्योंकि गाड़ी में बेचारा भी पेट्रोल नहीं था। ये है बोरपेटा टाउन का साउलखुआ नदी। तो अभी बोरपेटा पहुंच चुके हैं हम लोग, तो अभी जाएंगे घर। तो चले तो ये पूरा खेत देख सकते हैं आप लोग, पूरा हरा भरा खेत। और एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ ये लोग ऐसे मछली पकड़ रहे हैं हाथ से, तो ये भी एक ट्रेडिशन है। ऐसा ट्रेडिशन आप लोगों को सिर्फ असम में ही मिल सकता है। होम स्वीट होम, फाइनली बोहरी मिल चुका है हमें। ये है बोहरी का ब्रिज। इस फाइनली अभी हम लोग रूम से घर पहुंच चुके हैं। तो रात को गणेश पूजा में जाएंगे, जो कि आप लोगों को दिखा दूंगा मैं रात का पूरा नज़ारा। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद चलेंगे गणेश पूजा। तो गाइस फाइनली रात हो चुका है। तो ये है हमारे पप्पा जी इधर। ऐसे हर साल ही हमारे यहाँ हरिदेव खेत्रों में गणेश पूजा का आयोजन किया जाता है। तो हर साल इसी तरह गणेश जी का हम लोग आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं और यहाँ पर प्रसाद दिया जाता है, जो कि मोदक है, जो कि पप्पा जी का फेवरेट है। तो यहाँ गाइस पप्पा जी का लड्डू सबको प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है। तो ये है धूप और दिया जलाने का जगह। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिया जला दिया अभी, तो एक बार प्रणाम कर लेते हैं और प्रसाद खाते हैं। तो अभी प्रसाद खाएंगे हम लोग। तो ये है खिचड़ी जो कि प्रसाद है, तो प्रसाद खाते हैं और मिलते हैं। तो ये है गणेश पूजा का गेट और अभी पब्लिक आना शुरू हो गया है गणेश पूजा में। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर नाम होगा, तो नाम दिखा दूंगा आप लोगों को। तो अभी बज चुके हैं रात के 11। वो तो जो नाम प्रसंग बुलाया था मोरमी सैकिया का डॉल, वो नाम प्रसंग अभी स्टार्ट हो चुका है। मोरमी सैकिया एक यूट्यूबर भी है वैसे तो आसाम के बाहर वाले लोग ना इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से देखो, क्योंकि ऐसा ट्रेडिशन ऐसा कल्चर आसाम के अलावा और आप लोगों को कहीं भी नहीं दिखने को मिलेगा। तो आसाम से बाहर के जितने भी लोग देख रहे हैं, देखो ये है हमारा आसामीस कल्चर। अगर आपको हमारा आसामीस कल्चर पसंद आया है तो ये ऊपर एक प्यारा सा कॉमेंट ज़रूर छोड़ना। अभी थोड़ा मोरमी सैकिया जी का नाम एंजॉय करो आप लोग।
हमारा लोकल टीम, हमारे विलेज का नाम दल, तो ये भी थोड़ा देख लो आप। तो गाइस कल तो रात को देर हो गया, तो वहां पर ब्लॉग को एंड नहीं कर पाया, तो आज नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। तो एक बात बताना चाहता हूँ, तो यही है हमारा असम का कल्चर। ऐसे ना बहुत सारे कल्चर है जो कि असम के, जो कि भारतवासियों को नहीं पता। तो मेरा एक ही टारगेट है, असम के जो भी चीज है, जो भी कल्चर है, सभी भारतवासियों को पता चले, ताकि असम में भी लोग आए और असम में भी टूरिज्म के लिए एक नया पॉइंट ऑफ व्यू बने। जैसे प्राकृतिक संपदा है इतने सारे असम में, लेकिन भारतवासियों को पता ही नहीं कि असम में भी इतना प्यारा प्यारा जगह है, इतना प्यारा प्यारा कल्चर है। तो वो सब आप लोगों को दिखा के मैं हिंदी भाषा में, ताकि वो लोग समझ भी पाए, तो ऐसे में वीडियो बनाता हूँ। तो थोड़ा सपोर्ट का जरूरत होगा आप लोगों का, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कर देना। तो यही था एक छोटा सा वीडियो मेरी तरफ से। तो ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और तब तक के लिए मिलते हैं, सभी अपना ख्याल रखे। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय। तो मेरा साथी मेरे साथ ना, कटे ना कटे दिन रात ना, ओ मेरा साथी मेरे साथ ना, या ओ मेरा साथी मेरे साथ ना।